आज हम बना रहे हैं मरिंडा से मैगी की एकदम नई डिश, जो आज से पहले कभी भी किसी ने ट्राई नहीं करी होगी। इतना यूनिक, इतना नया और इतना चटपटा स्वाद शायद ही कभी किसी ने इतने बढ़िया तरीके से मैगी का तैयार करके दिया होगा। आज जो हम जिस तरीके से मैगी की ये डिश बना रहे हैं, ये अपने आप में एकदम ही नया और यूनिक तरीका है। तो चलिए आइए बिना देरी करें मरिंडा वाली मैगी की ये रेसिपी को तैयार करते हैं। इस रेसिपी को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा मक्खन डाल लीजिए। मक्खन के स्वाद का मज़ा ही कुछ और है मैगी में। तो चलिए सबसे पहले एक कटा हुआ प्याज डाल लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर हल्का सा भूनते ही टमाटर डालना है। पूरी तरीके से इसको नहीं भूनना है। आज जो मरिंडा की मैगी बन रही है, यकीन मानिएगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये रेसिपी इतनी बढ़िया बाहर निकल के आएगी, इतना बढ़िया स्वाद इसका बन के तैयार होगा। लेकिन जैसे ही खा के ट्राई करी, यकीन मानिएगा मज़ा आ जाएंगे, उंगली चाटने को मजबूर हो जाएंगे। फटाफट से इसमें थोड़े से टमाटर डाल लीजिए और भून लीजिए। प्याज हमने देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं भुने, बहुत थोड़े, और इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च और डाल दीजिए। और अगर आपको पसंद हो तो थोड़े से मटर या फिर हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको फटाफट झटपट भून लीजिए और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा भून जाएंगे, मैं इसमें ऐड करने जा रहा हूँ मरिंडा। मरिंडा, फेंटा, कुछ भी आप डाल लीजिए, मज़ा आ जाएगा इस रेसिपी का। लेकिन मैंने मरिंडा को आज इसमें डालना है। तो चलिए ये थोड़े से भुने जा चुके हैं, आधा मिनट और इसको फटाफट से मरिंडा डाल के मैं भून लेता हूँ। ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं भूनने, मैगी में खड़ा खड़ा स्वाद ही इनका अच्छा लगता है। तो चलिए मैंने मरिंडा की बॉटल लाई हुई थी, इसे फटाफट से खोल लिया है और फटाफट से अब इसे डाल लेते हैं। लगभग 2 गिलास के आसपास मरिंडा जाएगी जितनी मैगी में जाती है। 400 से 450 ml काफ़ी हो जाएगी। 2 मैगीज आज बना रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी डाल लेते हैं, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची क्योंकि हमने वेजीज़ कुछ एक्स्ट्रा ऐड करी हैं, और थोड़ा सा हम मैगी मसाला डाल लेते हैं। 2 पैकेट मैगी मसाला बहुत होंगे 2 मैगीज़ के लिए। तो चलिए ये डल गए हैं, अच्छे से इसे मिक्स करते हैं और फटाफट से अपनी 2 मैगी इसमें तोड़ लेते हैं। तो ये हमारी मैगी की रेसिपी बट झटपट बन के तैयार हो जाएगी। इसे तोड़ लीजिए छोटे छोटे पीसेस में, बढ़िया मैगी बन के तैयार। भाई वाह, देखिए कितनी बढ़िया। अभी हमने इसमें एक दो चीज़ और स्पेशल करनी है जो आगे बताते हैं आपको। फटाफट से पहले इसे पकाइए, उसके बाद क्या करना है मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। इसको घुमा लीजिए और मरिंडा में इसे पकने दीजिए। 3 से 4 मिनट में अच्छे से पक के तैयार हो जाती है। गैस की आँच पर डिपेंड करता है कि कितना समय ये लेगी पकने में। आप चाहें तो इसमें हल्का सा मक्खन इस वक्त थोड़ा सा और डाल दीजिए और एक अच्छा सा टैंगी सा स्वाद आ जाएगा इसका। तो आप देखेंगे धीरे धीरे इसका पानी सूखना शुरू हो जाएगा। कुछ पानी सूख चुका है अब, और बस 1 मिनट और पूरा का पूरा पानी सूख जाएगा। इसमें दोस्तों आप चाहें तो हल्का सा खट्टापन और लेने के लिए, क्योंकि ये चटपटी है, एक नींबू इस वक्त स्प्रिंकल कर सकते हैं, डाल सकते हैं। मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, लेकिन आप इस वक्त एक नींबू डाल देंगे तो और मज़ा आ जाएगा। तो चलिए ये फाइनली देख सकते हैं हमारी 90% मैगी बन के तैयार है। थोड़ी सी मरिंडा और उठ जाए, यानी कि कम हो जाए, अच्छे से मैगी हमारी पक जाए और बस ये रेसिपी तैयार है। और आप इसको और कोई भी चीज़ ना डाल के ऐसे ही खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और कलर इतना इसका निखर के आया, अभी आप देखेंगे ना आप कहेंगे यार मरिंडा वाली मैगी सच में। और मुझे ना इस रेसिपी को बनाने से पहले यकीन नहीं था कि सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी, लेकिन जब बन के तैयार हुई और मैंने इसे खाया तो मुझे एहसास हुआ कि सचमुच में टेस्टी है। तो आप भी इसको टेस्ट का तड़का दे लीजिए थोड़ी सी एक बार, मरिंडा या फिर फैंटा वाली मैगी को ट्राई करके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें इतना दम है कि आपका तो दिल ये मोह ही लेगी। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से इसको प्लेट